Assalamualaikum, my YouTube family. Subscribe for my YouTube channel and comment and share this my channel. Okay. ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਲਾ ਕਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਸਪੀ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਰੈਸਪੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਦਾ ਘੋਟਣਾ ਘੋਟਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਸ਼ਟ ਆ ਰਹੀ ਹੂੰ ये है जो मसाला मैंने किया था ये हो गया क्योंकि ये काली मिर्च वाला बनाऊंगी तो ये नमक है तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ठीक है और ये काली मिर्च का पाउडर ये जो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आ गया है इसका प्रेशर ठीक है देखिए मैंने इसके अंदर डाल लिया ये वाला जो था अब इसके अंदर ये जो पानी आया है मैं किसी बर्तन में से निकाल लेती हूँ और ये होती है यखनी ठीक है अब इसे अच्छी तरह से मीट है और मीट की जितनी अच्छी फ्राई की जाए उतना ही अच्छा होता है मीट को जितना अच्छा हम फ्राई करेंगे उतनी अच्छा ये हमारा तैयार होगा ठीक है इसकी हमने इसे फ्राई बहुत अच्छा करना मतलब इसे हमने जो भूनना होते हैं ना वो हमने इसे भूनना बहुत अच्छा है ठीक है और ये याद रखें ये काली मिर्च वाला है नमक और काली मिर्च वाला सिर्फ ठीक है बट में मैंने ये फिर निकाल लिया और ये वाली बकाया कर लिया अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी लेकिन अभी ये थोड़ा सा सूख जाए ड्राई हो जाए पानी तो इसके बाद इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी ठीक है थोड़ा सा ये ड्राई हो ही गया तो अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ ठीक है तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं तो मैं इसे फ्राई कर रही हूँ भून रही हूँ तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अभी फ्राई करने वाला रहता है और अभी इसमें रहता है और जो ऑयल डाला था ना वो मैंने सिर्फ थोड़ा सा डाला था अभी ऑयल इसके अंदर और जाएगा ठीक है अभी तक 10 मिनट में हो गया है और अभी आगे नहीं पता कि कितने मिनट्स लगेंगे और जैसे कि काली मिर्चों वाला है और इसमें मैंने प्याज नहीं डाला तो सिर्फ काली मिर्ची वगैरह नमक वगैरह डाला है तो ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हो और लेकिन अगर आप इसे केचप के साथ खाओ और यंग्स मायोनीस वगैरह के साथ तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये मैंने तो इसीलिए बनाया कि मैं इसे केचप के साथ खाऊंगी और घर वाले भी ये वैसे मैं अपने लिए नहीं बना रही मेरे भाई के लिए वो उसने मुझसे स्पेशली बनवाया तो उनसे ऐसे बहुत पसंद है छोटी छोटी बोटी आप लोग देख सकते हैं और केचप्स इसमें पानी सूख चुका है ना तो देखें मीट हो या हो बीफ हो तो उसमें ना आपको करना चाहिए पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहिए और मैं पानी कौन सा ऐड करूँगी मैंने ये जो यखनी आप लोगों के सामने निकाली थी ना ये वाली मैं हल्की 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 ऐड करी जाऊँगी मतलब जैसे छिट्टा बोलते हैं छिट्टा लगाई जाऊँगी और इसे फ्राई करी जाऊँगी इस तरह ना इसकी जो स्मेल तो नहीं वो एक मुश्क सी होती है गोश्त के अंदर वो भी ख़त्म हो जाती है और ये बहुत अच्छा तैयार ही होता है ठीक है अभी जब ये वाला ड्राई हो जाएगा ना मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी थोड़ा और वो वाला पानी जो मैंने छिटा लगाया था ड्राई हो गया तो इसके अंदर मैं और ऑयल ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ठीक है और मैंने तभी यूज़ किया जब इसमें पानी था और थोड़ा और अब मैंने यूज़ किया जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया
अब इसे इस ऑयल में भूनना है अच्छी तरह, और जो हमने ये यखनी रखी हुई है इसमें भूनना है साथ साथ। और यखनी आपने ये नहीं डाल देनी कि सारी डाल देनी है, ये आपने सिर्फ छिट्टा जिसे बोलते हैं ना वो लगाना है इसका साथ साथ, और साथ साथ फ्राई करना है। देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो अभी भी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और वो जो भी सारा पानी था वो मैंने हल्का हल्का छिट्टा लगा कर बिल्कुल फिनिश कर दिया पानी में, इसे यखनी बोलते हैं। और आपकी अगर यखनी ज़्यादा हो तो आप इसके बाद ना जो बच जाए उसे आप चावल बनाओ तो चावलों में भी ऐड कर सकते हो, और अगर आप कोई और सालन बना रही हो तो उसमें भी ऐड कर सकते हो। आपका जो टेस्ट होगा वो चिकन का गोश्त का बीच में आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप इस तरह भी उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने तो पानी हिसाब का डाला था और मेरी यखनी इतनी ही बची जो कि मेरी इसमें भूनते हुए फिनिश हो गई। लेकिन अगर मोस्टली बच जाती है तो मैं यही करती हूँ, इतना अच्छा टेस्ट आता है और चावलों में भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और कसम से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, हालांकि अभी ये पूरा नहीं हुआ इसका, ये आप लोग और देख सकते हैं ये निकल आया है, लेकिन अभी ये अच्छी तरह फ्राई नहीं हुआ, तो लेकिन फिर भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और तकरीबन भूनते हुए सारा निकाल के ना, सिर्फ भूनते हुए मुझे आधा घंटा हो गया, तो इसीलिए सब बोलते हैं कि माही आपके हैंड्स में बहुत लज्जत है, क्योंकि मैं चीज़ को भूनती बहुत अच्छा हूँ, चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, जो भी हो मैं उसे ना भूनती बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि भूनने में हमारी सारी लज्जत आती है। और अभी भी ये इसमें काफ़ी ज़्यादा कसर है, ये अभी भूना नहीं है, इसे मैं अभी मज़ीद 10 या 15 मिनट और भूनूँगी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, पता है मैं कितनी मुश्किल से आप लोगों के वीडियो बनाती हूँ जब मैं कुकिंग की वीडियोस बनाती हूँ। तो देखिए, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा होता है जो आपके लिए शूट कर रही होती हूँ, वीडियो बना रही होती हूँ, और एक हाथ से ना मैंने खाना बना रही होती हूँ। और मोस्टली ऐसा होता है कि कढ़ाई कहीं या बर्तन कहीं ज़्यादा जाता है, और मोस्टली एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि गिर भी जाता है। तो देखिए, मैं इतनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो फिर आप लोग आगे से रिस्पॉन्स ना दें, मेरी वीडियो पे कमेंट्स ना करें, शेयर ना करें, उसे लाइक ना करें, तो फिर हमारा भी दिल डिसहार्ट होता है, हमारा भी दिल करता है कि नेक्स्ट हम आपके लिए वीडियो ना बनाएं, क्योंकि आप लोगों ने कौन सा हमें लाइक करना होता है, कमेंट में बताना होता है या शेयर करनी होती है, तो इसलिए ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। तो इसलिए मोस्ट आप ना हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट सेक्शन में लास्ट में कुछ ना कुछ तो बता दिया करें कि क्या है, अगर आपको इसमें अगर कुछ और ऐड करना हो तो वो आप लोग बता सकते हैं कि मेरे नॉलेज में इजाफा हो सके, इसे और अच्छा हम बना सकें, तो इसलिए आप लोग लास्ट में मुझे बताया करें, ठीक है। और ये तकरीबन अब हो गया है, बस 2 मिनट और होगा तो ये भून जाएगा, फिर मैं इसे डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मज़ीद भूनूंगी और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, ठीक है, गरम मसाला ऐड किया मैंने, तो इसे अब अच्छी तरह से भूनूंगी, ठीक है। देखिए, हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। और खुशबू इसकी बहुत ही लजीज है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली कुकिंग वाली वर्क, ऑनलाइन वर्क वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक, हर वीडियो आप तक, और अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सके। अजान भी होने लग गई है, तो मिलते हैं अजान के बाद। ये देखिए, अब हम इसे इसकी फाइनल लुक है, और आप इसे केचप के साथ डिप कर करके खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। देखिए, आई एम ट्राई, वाओ यम्मी।
यमी देखा टमी। तो आप लोग लाजमी आपको रेसिपी पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए नई अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़।